नमस्कार, मैं आशीष। वीसीएन न्यूज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत है। क्या आइए देखते हैं खबर विस्तार से। गौरतलब है कि पिछले दिनों सातेगांव स्थित दीनदयाल नगर निवासी अनुसया महाजन का प्रकाश गावंडे नामक युवक के खेत में बने कुएं में शव पाया गया था। मौके से मृतक महिला की चूड़िया, चप्पलें तथा उसे घसीटते हुए ले जाने एवं खून के निशान भी पाए गए थे। क्षेत्रवासियों को इस बात का संदेह है कि अनुसया की हत्या से पहले उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया हो। मृतक महिला के देवर सतीश महाजन ने घटना की शिकायत अंजनगांव सुरजी थाने में कराई तो इस घटना को लेकर यहां की महिलाओं ने इस तरह का खौफ छाया है कि उन्हें घर से मजदूरी के लिए बाहर जाने में भी असुरक्षितता महसूस हो रही है। इसके चलते क्षेत्र के पुरुषों एवं महिलाओं ने इस घटना की सीआईडी जांच की मांग करते हुए आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की है। हा जो महिलावर दिवसा अन्याय झाला की दिवसाभर दुपारी जर कोणी खून करून महिलेला विहिरीत टाकत असेल तो कोणीही गुन्हेगार असो, पण अशा घटना घडणे आणि आपण ज्या पुरोगामी महाराष्ट्र म्हणतो आहे आणि इकडे महिलांना देवीचं स्थान आपण दिलेलं आहे, पण हे असं न दिसता असं जर भयावह चित्र असलं तर मला असं वाटते जे काही शेतमजुरी करणाऱ्या महिला आहेत त्यांना कुठेतरी आज घराच्या बाहेर निघताना भीती वाटते आहे। नुसतं शेतमजुरी करणारे नाही तर इतरही ठिकाणी कामावर जाणाऱ्या ज्या काही महिला असतील त्यांच्यावर हा असा अन्याय होऊ शकतो असं त्यांना वाटते। म्हणून आज हा महिलांचा समुदाय इथे भरपूर प्रमाणात जमलेला आहे आणि सर्वांची एक आशा आहे की सीआयडी मार्फत याची चौकशी करण्यात यावी आणि योग्य तो न्याय मिळावा आणि जो काही अन्याय करणारा व्यक्ती असेल त्याला फाशीची शिक्षा देण्यात यावी, कारण जेणेकरून जर समाजापुढे असं जर शिक्षा दिली तर मला असं वाटते की पुढील जे काही कृत्य करणारे अशा गुन्हेगार आहेत त्यांच्यावर वचक बसेल। हाँ, तो मैं ऐसा कहना चाह रही कि ये आज एक कलाल समाज की महिला का ऐसा उसके साथ अन्याय हुआ है और उसको इस तरह बुरे तरीके से उसका मुंह बांधकर उसके साथ उसका फांसी दी गई और कुएं में डाल दिया गया है। इस तरह जो बाहर खेतों में काम करने वाली महिलाएं हैं और जो जॉब करने वाली महिलाएं उनको अब उनके मन में ऐसा डर निर्माण हो गया है, तो ये गवर्नमेंट इसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा ठोस कदम उठाना चाहिए जिससे महिला सेफ मध्य रहे। यानी कोई भी महिला बाहर जाती है तो घर के लोगों को चिंता रहती है, ऐसे अब महिला को ऐसे मन में धास्ती बैठ गई, डर बैठ गया है कि कैसे अब घर के बाहर कदम निकाले, यदि घर के बाहर निकालेंगे कुछ होगा क्या, है ना, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। इस तरह मैं पुरुष वर्ग से कह ये जो इनके हवस की जो भावना निर्माण हो रही है जो महिला को देख के एकदम ऐसा चाहे वो 3 साल की बच्ची रहे चाहे 30 साल की बुढ़ी चाहे 50 साल की, उसमें जो आदमी में जो हवस की भावना निर्माण हो रही है वो बंद होना चाहिए। प्रत्येक जैसे आदमियों को भी ये बताना चाहिए कि भाई नहीं, वो एक अपनी बेटी है, बहन है, माँ है, उसके साथ प्रत्येक आदमी को एक औरत है ना उसके साथ में, लेकिन वो दूसरी औरत के सामने ये बुरा कृत्य क्यों करता है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, उसको फांसी मिलना चाहिए, बस हमारा ये है कि और महिला सेफ रहना चाहिए, इसके लिए शासन ने कोई ना कोई ऐसा कड़क कदम उठाना चाहिए। उपसभापति अंजनगांव पंचायत समिति और ये सातेगांव गांव है, ये मेरे गांव की महिला थी और दिन रात कबाड़ कष्ट करके अपना शरीरार्थ कुटुंब चला रही थी, लेकिन ये जो घटना हो गई इसका कोई भी आरोपी कितना भी शाकिर दो उसको जल्दी से जल्दी पकड़ के उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, ये इसकी ये हम मांग करते हैं, इसके लिए हम सब यहाँ खड़े हैं। वाशिम जिले की कारंजा तहसील के कामरगांव में बीते कई दिनों से अवैध धंधे उफान पर चल रहे हैं, जिसमें कि वर्ली मठ का जुओ के अड्डे, अवैध दारू बिक्री का प्रमाण दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। यह सभी अवैध धंधे पिछले कई महीनों से पुलिस की साठगांठ के साथ किए जा रहे थे। जब रक्षा की भक्षक बन जाए, इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए गाँव की महिलाओं द्वारा 26 मार्च 2017 के दिन ग्राम पंचायत में शिकायत की गई थी। वह इस विषय की गंभीरता को देखते हुए बहुमत से यह अवैध धंधे बंद करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया, किंतु हमेशा की तरह कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए प्रशासन द्वारा इस बार भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे कि इन अवैध धंधे करने वालों का मनोबल और बढ़ने से गांव की महिलाओं को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं के विरोध में 31 अक्टूबर के दिन मासिक सभा में इन अवैध धंधों को हमेशा के लिए बंद करने की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित हुआ। वह तत्काल कार्यवाही न होने पर आंदोलन करने का इशारा महिला सरपंच सुरेखा देशमुख, राजेश दिगड़े, गोपाल सोलंके, अर्चना ठाकरे आदि द्वारा दिया गया है। साथ ही साथ इस प्रस्ताव का एक निवेदन पुलिस अधीक्षक, उप निरीक्षक अधिकारी वाशिम व थानेदार उत्पादन शुल्क को भी दिया गया।
डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इनका स्कूल प्रवेश 7 नवंबर सन 1900 के दिन हुआ। इस कारण यह दिवस स्कूल व महाविद्यालयों में विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय शासन के सामाजिक न्याय व विशेष सहायक विभाग ने लिया है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने इसी दिन सातारा जिले के प्रताप सिंह हाई स्कूल राजवाड़ा चौक इस विद्यालय में प्रवेश लिया था। उनका यह स्कूल प्रवेश शैक्षणिक क्रांति व युगांतर की घटना की रूप में ही देखा गया है। शिक्षण ही एकमात्र उन्नति का साधन होकर आदर्श विद्यार्थी निर्माण करने के लिए आवश्यक कठोर परिश्रम का भाव विद्यार्थियों में उत्पन्न हो, इसी उद्देश्य से 7 नवंबर यह दिन हर वर्ष विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया। बडनेरा के युवा स्वाभिमान पार्टी के विधायक रवि राणा की पत्नी नवनीत राणा को हाईकोर्ट के आदेश पर जाति जांच समिति ने उनका कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट वैलिड होने का निर्णय सुनाया। कल शुक्रवार की देर रात यह निर्णय अमरावती वासियों को तथा युवा स्वाभिमान के कार्यकर्ताओं को जैसे ही पता लगा तो वही शनिवार की दोपहर में राजकमल चौक पर जीत की खुशी में फटाके फोड़कर नवनीत राणा को बधाइयां दी गई। एवं सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर जल्लोष मनाया। तो वहीं युवा स्वाभिमान संगठना के मागास वर्गीय सेल के अध्यक्ष, महानगर पालिका सफाई कॉन्ट्रैक्टर के अध्यक्ष संजय माहुलकर, इन्होंने नवनीत राणा इनके स्वागत कर मिठाइयां वाटप किया। गौरतलब है कि अम्बा नगरी के निवासी राजू कारिया का जनसंपर्क अधिकारी के रूप में विगत 45 वर्ष पूर्व मुंबई की फिल्मी हस्तियों के साथ सफर शुरू हुआ था। इन दौरान जहां राजू कारिया ने बॉलीवुड के हर छोटे बड़े फिल्मी हस्तियों के जनसंपर्क अधिकारी के रूप में काम किया। बताया जाता है कि इस अवधि में उन्हें अलग अलग अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। उनकी इस उपलब्धि को लेकर मुंबई स्थित एक जानी मानी संस्थान ने राजू कारिया का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए आगे बढ़ाया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया। अपनी सारी उपलब्धियों को लेकर राजू कारिया ने रविवार को पत्रकार परिषद में स्थानीय मीडिया को धन्यवाद दिया। साथ ही राजू कारिया ने खुशी इंद कुमार श्रॉफ नामक बच्ची को गोद भी लिया है, जिसके पारिवारिक विवाद के चलते राजू कारिया ने खुशी को अपने परिवार का हिस्सा बनाया है। मेरा नाम राजू कारिया है और ये मेरी ग्रैंडडॉटर है खुशी। अभी अभी आपने जिन हीरो की डेथ की न्यूज़ सुनी होगी, इंद्र कुमार वो मेरे दामाद थे, ये उनकी इकलौती एक बेटी है जो मेरी ग्रैंडडॉटर है। दोस्तों, आज यहाँ पे अमरावती में मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह थी कि मेरा नाम हाल ही में वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में आ गया है। मैं इसका क्रेडिट अमरावती के मीडिया को, ऑल ओवर मीडिया को देना चाहता हूं, क्योंकि अगर आज मीडिया मेरे साथ में नहीं होती और मीडिया ने इतने साल मुझे अगर हेल्प नहीं की होती तो मुझे नहीं लगता कि मैं ये अवार्ड ले पाता। मैं इससे पहले भी कई अवार्ड ले चुका हूं, जैसा कि राष्ट्रपति अवार्ड मुझे मिल चुका है, पीयर ऑफ द मिलेनियम का अवार्ड मुझे लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन जी ने दिया है, एक अवार्ड मुझे कानून मंत्री राम जेठमलानी ने दिया है। कहने का मतलब है कि अवार्ड मुझे मेरे नसीब में आते गए और मैं लेते गया, और इसका क्रेडिट मैं सिर्फ और सिर्फ मीडिया को देते गया, क्योंकि प्रेस है तो अमिताभ इम्प्रेस है, नहीं है तो राजू कारिया इम्प्रेस है। दोस्तों, आज तक की मेरी कई फिल्मों के मैंने मोहरत किए हैं, जिसका एक रिकॉर्ड है। कई फिल्में मैंने रिलीज़ की है, इसका एक रिकॉर्ड है। आज जितने भी एक्टर जिंदा है उन सब के साथ में मैंने काम किया है। एक तो पीढ़ी ऐसी है जिनके तीन पीढ़ियों के साथ काम किया है, जैसे राज कपूर है, उनके बेटे रणधीर कपूर है, ऋषि कपूर है, उनकी बेटी करिश्मा कपूर है। इसके अलावा मैंने देव साहब के साथ में काम किया है, दिलीप कुमार, धर्मेंद्र, जितेंद्र, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, ऐसे कोई बचा नहीं जिनके साथ मैंने काम ना किया हो।
बट हाँ एक चीज़ है कि जब तक के मीडिया मेरे साथ है मैं ये काम करते रहूँगा और कर रहा हूँ। तो ये थे आज के हिंदी समाचार। हिंदी समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए VCN न्यूज़। किशान घर समान घराकडे तिचे सर्व ध्यान, कोण आहे ती, अहो हो कोण आहे ती, गृहलक्ष्मी गृहलक्ष्मी। ममते पोटी प्रेमासाठी झटते नेहमी घरच्या साठी, अहो पण काय केलं तिच्यासाठी, म्हणूनच तर घेऊन आलोय गृहलक्ष्मी। आनंद एका स्त्रीचा। अग बाई गृहलक्ष्मी। ब्रेक के बाद मैं आशीष फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इस संदर्भ में रविवार को हैप्पी नैपी के राष्ट्रीय प्रमुख रसेल ने पत्रकार परिषद में जानकारी देते हुए बताया के शहर के उन तमाम स्कूलों में जहां कक्षा छठवीं से ऊपर कक्षाओं में छात्राएं अध्ययनरत है, ऐसे स्कूलों में सैनिटरी नैपकिन की मशीन लगाई जाए जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय का सहयोग रहेगा। ये बात भी पत्रकार परिषद में हैप्पी नैपी के प्रमुख ने दी। उन्होंने बताया कि प्रस्ताव में यह सैनिटरी नैपकिन बाजार में मिलने वाली कीमत से आधे दाम पर उपलब्ध होगी। हैप्पी नैपी सैनिटरी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का जो अभियान है कि हर एक स्कूल कॉलेजेस में सैनिटरी नैपकिन और सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन इंस्टॉल की जाएगी। हमारा साथ लखनऊ सहायता का रूप से जुड़ा है डॉक्टर राष्ट्रीय नागलकर एंड इनर बिल क्लार। हमारा जो मशीन है ये टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड है और स्मार्ट कार्ड बेस्ड है। स्मार्ट कार्ड स्वाइप करने के बाद में वो लड़की नैपकिन डिस्पेंस कर सकते या गायनोकोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर सकते। हमारा हर एक तालुका में गायनोकोलॉजिस्ट के साथ पैनलमेंट है और एक हेल्दी और हाइजीनिक लाइफ हर एक लड़की को और उनका मम्मी बहन को दी जाएगी हमारे कॉन्सेप्ट के जरिए। ये सैनिटरी नैपकिन बाजार में 13 रुपए में उपलब्ध होता है जबकि स्कूल में लगाई गई मशीन के जरिए ये मात्र 6.5 रुपए में उपलब्ध होगा। इस उत्पाद के प्रमुख ने बताया कि इसके लिए छात्राओं को 50 रुपए का डेबिट कार्ड दिया जाएगा। जैसे ही संबंधित छात्रा स्कूल में लगाई जाने वाली मशीन पर डेबिट कार्ड स्क्रैच करेगी उसे सैनिटरी नैपकिन मशीन द्वारा उपलब्ध होगा। पत्रकार परिषद के दौरान इस उत्पाद के प्रमुख रसेल के अलावा इनर व्हीलर क्लब की अध्यक्षा भावना कुदड़े, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रोशनी नागलकर, पिंपल गांवकर, सौ ओझा आदि उपस्थित थे। अमरावती में लगभग 1200 स्कूल कॉलेजेस है अमरावती डिस्ट्रिक्ट में। हम हर एक स्कूल कॉलेजेस में ये मशीन बिठाए। पैड का जो मार्केट में जो कॉस्ट है, बेस्ट क्वालिटी का जो पैड है मार्केट में जो कॉस्ट, लेकिन अदर कंपनीज आर सेलिंग हाफ द मार्केट कॉस्ट एंड प्रोवाइड करता है सेम क्वालिटी। हरिना नेत्रदान समिति द्वारा डॉक्टर अविनाश चौधरी का सत्कार आयोजित किया गया। ध्यातव्य हो कि स्वर्गीय मनोज गुप्ता के मल्टीपल ऑर्गन दान करवाने में डॉक्टर अविनाश चौधरी द्वारा सकारात्मक प्रयास किए गए। वो उनके इन प्रयत्नों के लिए अमरावतीवासी उन्हें सदा ही याद रखेंगे। उसी प्रकार स्वर्गीय मनोज गुप्ता परिवार के हम ऋणी रहेंगे, यह बात भी इस समय समिति के सदस्यों द्वारा कही गई। अमरावती शहर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जिसकी वजह से 2 पेशेंट को किडनी, 2 पेशेंट को आंखें व लीवर ट्रांसप्लांट किया गया। इस मानवता की घटना ने पूरी दुनिया में अमरावती का नाम रोशन किया है व इस घटना के कारण डॉक्टर सावजी की चारों ओर प्रशंसा की जा रही है। इस समय इस कार्यक्रम का आभार समिति के सदस्य सुरेश जैन ने किया। इस समय बड़ी संख्या में समिति के पदाधिकारी गण उपस्थित थे। स्थानीय देवरनकर नगर स्थित स्कूल ऑफ कॉइनजुअर्स में देवरनकर नगर परिसर की स्वच्छता को लेकर एक सभा का आयोजन किया गया था। समर्था हाई स्कूल परिसर के आजू बाजू का इलाका चारों तरफ गंदा पड़ा है। गंदगी, सुअरों का घूमना, आवारा कुत्ते, यह तो मानो यहाँ आम बात हो गई है।
हाल ही में स्थापित स्कूल ऑफ कोइनजोर्स द्वारा विगत कई दिनों से यहाँ सफाई अभियान प्रारंभ किया गया था, जिसमें परिसर के रहने वाले नागरिक भी बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। इन सारी बातों की जानकारी मनपा प्रशासन को दो और मनपा इस ओर अपना ध्यान दे, इसीलिए ये सभा बुलाई गई थी, जिसमें परिसर के नागरिकों के साथ साथ स्कूल की डायरेक्टर शिरीन खान भी उपस्थित थी। ज्ञात हो कि मनपा अपनी ओर से कुछ करे या ना करे, हमें अपना अपना सफाई अभियान शुरू करना चाहिए, ऐसा प्रतिपादन शिरीन खान ने किया। इस समय सभा में नागरिक पत्र के प्रधान संपादक राधेश्याम चांडक, सभापति तुषार भारतीय, पार्षद प्रवीण सोनी, अजय सारस्कर के साथ देवरणकर नगर स्वच्छता मंडल के सभी सदस्यगण बड़ी ट्रक क्रमांक MH23W294 अमरावती से सोयाबीन भरकर चंद्रपुर के लिए रवाना हुआ था, किंतु इसी बीच नेर के पास सामने से आ रहे टैंकर नंबर MH31CQ3476 के साथ अचानक ट्रक की टक्कर होने से 3 घंटों तक यह मार्ग अवरुद्ध रहा। इस घटना में किसी भी प्रकार की जीवित हानि नहीं हुई है, लेकिन इस घटना के कारण आसपास के नागरिकों में भय का वातावरण उत्पन्न हो गया था। अवतार मेहर बाबा व श्री संत गाड़गे बाबा, इनकी 6 नवंबर 1954 कार्तिक एकादशी के दिन पंढरपुर में स्नेह भेंट हुई थी, जिसे लेकर 6 नवंबर के दिन गाड़गे नगर गाड़गे बाबा समाधि मंदिर में मेहर प्रेम सहवास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से श्री बापू साहेब देशमुख, उपाध्यक्ष गाड़गे बाबा मिशन मुंबई उपस्थित होंगे व इस कार्यक्रम का प्रास्ताविक सौ कीर्तिताई खन्ना, मेहर गीत गायन श्री नीरज देशमुख व सुरेश रंगे, संचालन श्री वीसी काजे द्वारा किया जाएगा। यह कार्यक्रम दोपहर 2 से 6 बजे के बीच आयोजित किया गया है। प्राचीन काल में मनोरंजन के अत्यल्प साधन ही उपलब्ध थे, ऐसे समय श्री विष्णुदास भावे ने मराठी रंगभूमि की शुरुआत 5 नवंबर 1843 के दिन सीता स्वयंवर नामक नाटक के प्रयोग से शुरू की। तब से 5 नवंबर यह रंगभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंद्रभूमि अमरावती इस ऐतिहासिक शहर में मनोहर राव कविश्वर, नाना साहेब दिगेकर, श्यामराव जी दंदे, प्रसाद खापड़े, शारदा खोखले जैसे दिग्गज कलावंत का जन्म हुआ है। ऐसे ही एक कलाकार अशोक माथने ने विद्यार्थी जीवन में ही नाटकों के माध्यम से रंगमंच पर प्रवेश किया व बाद में शासन के आरोग्य विभाग में सेवा कार्य करते हुए भी कला के माध्यम से आरोग्य का संदेश आम जनता तक पहुंचाया। विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी नाटक के माध्यम से मध्यम वर्गीय व आम जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने अपनी इस कला का प्रभावी रूप से उपयोग किया। साथ ही व्यसन मुक्ति, कुपोषण, साक्षरता अभियान, राष्ट्रीय एकात्मता, कुटुंब कल्याण, एड्स जनजागरण जैसे अनेक राष्ट्रीय स्तर पर आधारित कार्यक्रम भी जिले भर में ऑर्केस्ट्रा व नाटक के माध्यम से प्रस्तुत किए। ये थी आज की सुर्खियां। हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। आप आपकी सुझाव एवं आपकी समस्याएं हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है VCN न्यूज कार्यालय, पहली मंजिल, सावजी कॉम्प्लेक्स, सतीधाम मंदिर रोड, रैली प्लॉट, अमरावती। या फिर आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए इन नंबरों द्वारा। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए VCN न्यूज। नमस्कार।